देखिए, जनपद में 144 CRPC लागू है, तो जो भी शोभा यात्रा या जुलूस की परमिशन दी जाती है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। उनमें ये भी होता है कि आप शस्त्र को, हथियार को गलत तरीके से नहीं प्रदर्शित करेंगे, और उस कंडीशन को जब लोग वायलेट करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में वाल्मीकि जयंती के दौरान भी कुछ वीडियो फुटेजेज आई थी जिसमें कि ये दिखाया गया था कि कुछ लोग अवैध तरीके से तलवार, तमंचे इत्यादि लेकर घूम रहे हैं जुलूस में, जिसके बाद हम लोगों ने थाना किला में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और उसके तहत हम लोग वीडियो फुटेजेस में से लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे लोग आइडेंटिफाई होते जाएंगे उनके खिलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करते चले जाएंगे। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? ये 188 IPC में दर्ज किया गया है, जो कि 144 CRPC का उल्लंघन की धारा है।